अब जरा एक ऐसे राजनेता की बात कर लेते हैं जिन्होंने बीते दिन अपने बयान के जरिए दरअसल ये बता दिया है देश को कि महिलाओं के बारे में या फिर बलात्कार जैसे संगीन मामलों में उनकी सोच क्या है। जी हाँ, बलात्कारियों पर दिए बयान पर चौतरफा घिरने के बाद भी मुलायम के सुर अभी तक नहीं बदले हैं। बीते दिन उन्होंने रेप के दोषियों को फांसी नहीं दिए जाने की वकालत करते हुए हमदर्दी जताई, यहां तक कह दिया कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, बलात्कार को एक गलती बता दिया मुलायम सिंह यादव ने। आज वो अपने तर्कों को सही ठहरा रहे हैं। नेताजी के खिलाफ सियासी हमले तेज हो गए। तीन लड़के हैं, गलती हो जाती है, तो तीन को भी फांसी दे दी बंबई में। अब सोचिए आप, ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी तो चर्चा पर्चा खर्चा, हमारी चर्चा तो हो रही है, तो चर्चा को ना तो खतरा नेता का वैसा का और जनता पूरी समझती है। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम ने पहले बलात्कारियों के लिए हमदर्दी जताई, उन्हें फांसी देने का विरोध जताया, अब एक कदम आगे बढ़कर अपने बेतुके बयान को जायज भी बताने लगे। लेकिन इस बार उनकी जुबान से निकली दलील का तेवर बदल गया। रेप किया जाए, जबरदस्ती उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, लेकिन नेतों को फंसाने के वीर के पक्ष में है, यह सवाल मेरा, नेतों से ही फंसा चाहिए। यूपी के मुरादाबाद की रैली में नेताजी ने अपने भाषण में गलत बयानी की, लेकिन संभल के बबराला में आयोजित रैली में अपने बयान को भी जायज बता दिया, उन्हें रेप पीड़ितों के दर्द का ख्याल भी नहीं रहा। बबराला की रैली में नेताजी को नारी सम्मान की याद आई। समाजवादी पार्टी हर एक जगह महिलाओं के सम्मान की बात, समाजवादी पार्टी से ज्यादा महिलाओं की तो कोई नहीं करता है, ये झूठ बोलते हैं। महिलाओं के सम्मान की बात करने वाले मुलायम का मुरादाबाद में दिया बयान एक बार फिर सुनिए। फांसी दी जाएगी, तीन लड़के हैं, गलती हो जाती है, तो तीन को भी फांसी दे दी बंबई में। अब सोचिए आप, ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी। नेताजी के शब्दों ने सियासत में बवाल मचा दिया है। लोकतंत्र के महापर्व में मुलायम को घेरने की मोर्चाबंदी हो गई, जहां बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी समेत तमाम पार्टियों ने चौतरफा हमला बोलना शुरू कर दिया। 24 घंटे के अंदर विवादित बयान पर सियासत दो छोर पर खड़ी हो गई। लेकिन अपने बयान का बचाव करते हुए मुलायम ने तर्क दे डाला कि उन्होंने कभी रेप करने वाले का पक्ष नहीं लिया। नासिक से प्रवीण ठाकरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।